कहते जी वो तीन तीन आदमी थे, उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, एक मुसलमान था, एक ईसाई था, एक हिंदू था, तीनों ने एक जगह काम करते, तुमने कहा चलो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, हम वैसे भी रूममेट हैं तो आपस में इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने आपस में पैसे डालकर तीनों ने इज्तिमाई शिकल में एक मोटरसाइकिल खरीद ली। तो पहले दिन ईसाई ने कहा मैं ले जाता हूं, ठीक है आप ले जाए। वो ले गया जनाब, पेट्रोल डाला और अपने गिरजा ले गया, चर्च, और वहां जाकर उसने वो सलीब जो होती है ना उनकी, क्रॉस का निशान, वो छोटा सा एक क्रॉस का निशान लाकर उसकी हेडलाइट पर लगा दिया कि जी मैंने अपने स्कूटर को क्रिश्चियन बना दिया। तो शाम को आया तो साथियों ने कहा, हो तो आपने तो स्कूटर को जनाब क्या ईसाई बना दिया। दूसरे दिन हिंदू ले गया, वो अपने मंदिर ले गया, वहां से उसने वो टीका लिया जो यहां लगाते हैं ना, वो टीका उसके सलेब के साथ हेडलाइट के ऊपर लगा दिया, कहते तूने ईसाई किया था, मैंने हिंदू बना दिया इसे। उसने उसे हिंदू बना दिया। शाम को वो आया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा कमाल का आदमी है, एक दिन में उसको ईसाइयत से जनाब क्या है उसको हिंदू बना दिया। तीसरे दिन मुसलमान की बारी थी, उसने कहा मुझे तो इसको मुसलमान बनाना है। अब वो मस्जिद गया तो उसको कोई चीज नजर नहीं आया, मैं क्या लगाऊं इस पे, कोई चीज है ऐसी नहीं, कुरान को देखता है नहीं, ये तो लगा नहीं सकता हूं उसके ऊपर। खैर वो सोचता रहा, शाम को वापस आया, अभी वो मोहल्ले में दाखिल हुआ तो स्कूटर की आवाज आ रही है, बड़ी बड़ी आवाजें आ रही है। ये दोनों दौड़ते दौड़ते ईसाई और हिंदू बाहर गए तो देखा कि उस स्कूटर का सरेंसर आधा खटा हुआ है, सरेंसर है ना आधा काट दिया उसने, और जोर जोर से आवाजें आ रही है मोहल्ले में। उन्होंने कहा ये क्या किया, उन्होंने कहा जी तुमने इसको ईसाई बनाया, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने हिंदू बनाया, मैंने आज इसकी खतना करके इसको मुसलमान कर दिया। तो जैसे वो खतने वाली मोटरसाइकिल थी ना, इसी तरह हमारे मोबाइल भी है, मोबाइल सारे के सबके मोबाइल इस्लामी हो गए, रिंगटोन भी उसमें कुरान, खुद कुरान पढ़ना आता नहीं है, मोबाइल पे जनाब रिंगटोन लगाए हुए, हमारा मोबाइल इस्लामी है। हाय हाय हाय, तो भाई ऐसा ना करो, खुद मुसलमान बनो। ये क्या है, किसी ने गाने लगाए हुए उस पे, किसी ने कुरान की आयतें लगाई हुई है, ये गलत तरीका है। सिंपल टोन लगाए, जरूरत के मुताबिक मस्जिद आए उसको ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर दे उसको, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। एक बात और भी समझ, अब दरमियान है नमाज के दरमियान आपका मोबाइल फोन बजना शुरू हो गया, अब आप क्या करेंगे, तो हरकत है कलील, थोड़ी सी हरकत, अगर आपने हाथ यूं किया उसे बंद कर दिया, मामूली से एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं कि आपने जनाब मोबाइल फोन निकाला और जनाब यूं उसमें उंगलियां भी मार रहे हैं, फिर उसको बंद कर रहे हैं, फिर यूं रख रहे हैं, नमाज गई। वो एक अरब नमाज पढ़ रहा था, अरब है ना, नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, तो मोबाइल फोन बजा, तो उसने मोबाइल फोन उठाया, यूं देखा, ऑन किया, कहते आमीन सला, अरबी में कहते हैं ना फिर सला, फिर वापस रख दिया, आना फिर सला। तो उनकी नमाज तो नहीं टूटती, लेकिन हमारी टूट जाती है, उनकी तो बड़ी मजबूत होती है, टूटती तो उनकी भी, मैं वैसे ही कह रहा हूं नमाज, लेकिन वो कहते हमारी नहीं टूटती है, तो भाई तुम्हारी नहीं टूटती है, हमारी तो टूटती है। तो हरकत है कलील, हाँ अगर आपका मोबाइल जोर जोर से बज रहा है, पूरी उम्मत को तकलीफ दे रहा है, फिर मोबाइल निकालो, बंद करो, आपकी नमाज तो गई, कम से कम दूसरों की नमाज तो बच जाएगी। तो ऐसा ना हो कि पूरी रकात में आपका मोबाइल बज रहा है, ये भी गलत तरीका है।